नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 फरवरी से शुरू होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। आज से कई मेहमान नवाबों के शहर यानी लखनऊ आ जाएंगे। मेहमानों के स्वागत के लिए यूपी सरकार ने खास तैयारी की है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मेहमान शहर के 100 होटलों में ठहरेंगे। साथ ही मेहमानों के लिए लग्जरी गाड़ी की व्यवस्था की गई है। वहीं समिट में शामिल होने वाले मेहमानों के सम्मान में 21 देशों के ध्वज लगाए गए हैं। बता दें, लोगों में इस समिट को लेकर खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। बता दें, समिट के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मेहमानों के स्वागत के लिए यूपी में खास तैयारियां की गई है। वहीं बता दें, आज शाम से ही मेहमानों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, समिट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सिर्फ अंतिम टच दिया जा रहा है, अभी क्या कुछ नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, प्रदेश की विकास में रफ्तार लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर रही है, जिसमें 20 से अधिक देशों से राष्ट्राध्यक्ष निवेशक इसमें आएंगे। माना जा रहा है कि 10,000 निवेशक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और अगर बात करें ताज़ा अपडेट की, तो तमाम जो गणमान्य हैं निवेशक, वो उनके आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर बात करें तो सिंगापुर के हाई कमिश्नर वोंग वी क्वेन पर लखनऊ पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बताएं कि हिंदुजा ग्रुप के कंपनी के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा पहुंच चुके हैं। और इसको लेकर अगर बात की जाए, तो देर शाम तक माना जा रहा है कि लगभग तमाम जो गणमान्य हैं वो आ जाएंगे। और कल सुबह भी कुछ अति विशिष्ट गणमान्य हैं जो लखनऊ आएंगे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मयूरी, आपको बताएं कि अगर बात करें तो इन तमाम निवेशकों के लिए जो कहीं ना कहीं लखनऊ शहर के अतिथि बनकर निवेश की इच्छा को लेकर यहां आ रहे हैं, तो ये सभी जो निवेशक हैं, इनकी सुरक्षा के लिए साथ ही साथ इनके विशेष रूप से होटलों को होटलों के अंदर में प्रशिक्षण दिए गए हैं होटल के कर्मचारियों को कि आप कैसे निवेशकों के साथ आप डील करेंगे, साथ ही उनकी खिदमत कैसे करेंगे। आपको बताएं कि राजधानी लखनऊ के तमाम बड़े होटलों को आज सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें निवेशक का रुकने का इंतजाम किया गया है। बात करें तो होटल ताज वेनेसा से लेकर वीवीआईपी गेस्ट हाउस, साथ ही साथ अगर बात करें तो नैमी सेवन गेस्ट हाउस, तमाम गेस्ट हाउसों में इनके रुकने का इंतजाम किया गया है। वहीं अगर बात करें तो कल कार्यक्रम की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और कार्यक्रम की शुरुआत के बाद अगर बात करें तो 4 नेता संबोधन करेंगे। बात करें तो देश के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधन करेंगे, उसके ठीक बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह संबोधन करेंगे, और उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी के संबोधन के बाद कार्यक्रम की शुभारंभ की जाएगी। आज बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किए हैं, साथ ही आखिरी निरीक्षण है और उचित दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बताएं कि अगर बात करें तो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड की, तो पूरी तरह से सुसज्जित ढंग से सजा दिया गया है। साथ ही बात करें तो अभी से ही रूट डाइवर्जन कर दिया गया है, रूट डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं जो जाम की समस्या है उससे निजात दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। अभी अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री कुछ ही समय के भीतर एक बार फिर निरीक्षण के लिए जाएंगे। कल देर रात वो अपने दौरे से लौटे तो निरीक्षण किए। आज अगर बात करें तो अमौसी एयरपोर्ट पे श्री राम के चंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण जी की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। कल प्रधानमंत्री का आगमन होगा शहर में, उसको लेकर कैसी तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी, आपको बता दें कि 22 आईपीएस अफसरों को, 40 बीपीएस अफसरों को, तमाम आला अधिकारियों को सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है। साथ ही अगर बात करें तो तमाम ऐसे जो एलआईयू है उनको अभी से क्षेत्र में छोड़ दिया गया है, जो एलआईयू हर एक चीज़ों पर नज़र रखती है। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। और प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम में शिरकत करने आएंगे तो उनसे ठीक पहले उनकी स्वयं की सुरक्षा करने वाली जो एजेंसी है वो वहाँ पहुँचेगी, और वहाँ पहुँच कर एसपीजी
एसपीजी पहुंचकर वहां कार्यक्रम स्थल का जायजा लेगी, सुरक्षा के हर नॉर्म्स को खंगालेगी, साथ ही साथ उनके साथ डॉग स्क्वाड भी होगा, वो उनके कार्यक्रम स्थल का हर एक चीजों का जांच करेगी। उसके बाद उनके तरफ से जब आदेश दिया जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगा। और बात करें तो प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, मगर प्रधानमंत्री की फ्लीट जहां चलती है, जहां उनका कार्यक्रम होता है, उनके कार्यक्रम से ठीक पहले ही उनकी सुरक्षा मौके पर पहुंच जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि तमाम दावे वादे किए जा रहे हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी इससे ग्रो करेगा, और प्रदेश के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपेक्षा लगाकर बैठे हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से कि हमें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस आयोजन से, इस भव्य महाआयोजन से कितना प्रदेश के विकास में रफ्तार आता है और कितने रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। जी धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। वर्ष 2023 का पहला सत्र होने के कारण इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल नंदीबेन पटेल विधानसभा मंडप में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से बुलाने के कैबिनेट के निर्णय पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद विधान परिषद और विधानसभा सचिवालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। अपना दल विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन के चलते शोक प्रस्ताव के बाद सदन स्थगित हो जाएगा। वहीं 21 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। बता दें 20 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। यूपी विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है। बता दें साल 2023 का ये पहला सत्र होगा और ये सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। वहीं विपक्ष पूरी तैयारी में है सरकार को घेरने के लिए। आपको बता दें 21 फरवरी को यूपी का बजट पेश किया जाएगा, यूपी विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है। हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, विधानमंडल का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ खास होगा इसमें? जी बिल्कुल मयूरी, ये जो सत्र शुरू होने वाला है बजट सत्र है, और सत्र के पहले दिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपना अभिभाषण करेंगे। उसके बाद अगले दिन यानी 21 फरवरी को बजट यहाँ पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यहाँ 7वीं बार उत्तर प्रदेश में बजट पेश करेंगे, क्योंकि एक अगर पहले कार्यकाल की बात करें, पहले कार्यकाल में 5 बार उन्होंने बजट पेश किया था। इसके बाद अब वो यहाँ पर सरकार का जो दूसरा यहाँ पर सत्र है, क्योंकि अगर पहले सत्र की बात करें तो अभी हाल में 47 सत्र हुआ था, उसके बाद अभी सत्र शुरू हो रहा है। 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार का वो बजट पेश करेंगे। कहीं ना कहीं बजट के माध्यम से तमाम वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। और अगर बात करें इस सत्र की, तो बजट सत्र होता है, महत्वपूर्ण होता है, और निश्चित रूप से इस बजट सत्र में भी पूरे हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार तमाम मुद्दों पर यहाँ घिरती नजर आ रही है। तमाम लोग यहाँ पर रामचरण मानस की बात करें, या रोजगार की बात करें, या नौकरी की बात करें, या व्यवस्थाओं की बात करें, या मिनिस्टर समिट की बात करें, तमाम मुद्दे यहाँ पर इस बजट में। गौरव, अगर देखा जाए तो इस सत्र में जो सरकार है वो अपने पक्ष में बजट की खूबियां गिनाएगी, समिट की खूबियां गिनाएगी, वहीं विपक्ष भी पूरी तैयारी में है सरकार को कई मुद्दों में घेरने के लिए। जी बिल्कुल मयूरी, यहाँ पर विपक्ष के यहाँ पर मौका रहेगा। हम देख रहे हैं लगातार
कि जब भी यहाँ पर बजट सत्र होता है, जब भी कोई सत्र होता है तो वहाँ पर विपक्ष पूरी कोशिश करता है कि सरकार को घेरा जाए। और कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है वो होती भी यही है कि अगर सत्र में कोई बात हो रही है, सत्र कोई भी हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, विपक्ष की कोशिश ये रहती है कि सरकार को घेरा जाए। और यहाँ पर भी फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरह विपक्ष है, समाजवादी पार्टी 111 विधायक के साथ मुख्य विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर है, तो निश्चित रूप से मयूरी ये जो सत्र होने वाला बजट सत्र होगा, सरकार जैसे बजट यहाँ पर पेश करेगी उसके बाद विपक्ष द्वारा जो उंगली उठाना या इस पर आरोप प्रत्यारोप करना वो लाजमी है और होगा इस बार। और सरकार जो इस मुद्दे पर कहा जा रहा है, जो बजट लेके आने वाली है, 7 लाख करोड़ से ऊपर का बजट रह सकता है। और निश्चित रूप से चूंकि इन्वेस्टर समिट अभी हाल में ही खत्म होगी, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर समिट के मामले भी इसमें उठाए जाएंगे। और इन्वेस्टर समिट को लेकर भी विपक्ष यहाँ पूरी कोशिश करेगा कि सरकार को घेरने का जो मौका मिला है उसे छोड़ा ना जाए। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां छुट्टी लेकर ट्रेनिंग पर गए 150 डॉक्टरों का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी डॉक्टर विभाग में वापस नहीं लौटे हैं। बता दें 2016 के बाद अवकाश पर गए सभी डॉक्टरों की सूची तैयार की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि उचित जवाब न मिलने पर डॉक्टर बर्खास्त किए जाएंगे। बता दें छुट्टी लेकर गए डॉक्टरों का कुछ अता पता नहीं चला है। ट्रेनिंग पूरी हो गई थी फिर भी काम पर डॉक्टर नहीं लौटे हैं। डॉक्टर के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। बता दें छुट्टी लेकर ट्रेनिंग पर गए 150 डॉक्टर लापता हुए हैं लखनऊ से। जहां छुट्टी लेकर ट्रेनिंग पर गए 150 डॉक्टरों का कुछ अता पता नहीं चला है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, लखनऊ में छुट्टी लेकर ट्रेनिंग पर गए 250 डॉक्टरों का कुछ अता पता नहीं चल पाया है, क्या कुछ पूरा मामला है? बता दें छुट्टी लेकर ट्रेनिंग पर 250 डॉक्टर गए हुए थे जिनका अता पता नहीं चल पाया है। वहीं विभाग का कहना है कि ट्रेनिंग पूरी हो गई थी फिर भी काम पर नहीं लौटे हैं डॉक्टर्स। वहीं विभाग का इस पूरे मामले पर कहना है कि डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें ये डॉक्टर ट्रेनिंग के बाद छुट्टी पर गए हुए थे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, लखनऊ में छुट्टी लेकर ट्रेनिंग पर गए 250 डॉक्टरों का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता विवेक का। विवेक, लखनऊ में छुट्टी लेकर ट्रेनिंग पर गए 250 डॉक्टरों का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मेरी उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से एक सूची जारी की गई है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 250 जो डॉक्टर है 2016 के बाद से वो ट्रेनिंग करके जो लापता है और दोबारा जो है ड्यूटी अपनी ज्वाइन करने नहीं आए हैं। ऐसे में इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी प्रदेश के कई अस्पतालों से, ऐसे लगातार शिकायतें आ रही थी कि काफी लंबे समय से जो डॉक्टर है वो अस्पताल से अपनी ओपीडी से नदारद रहे हैं, उनको कहीं अता पता नहीं था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एक लिस्ट जारी की कि कितने डॉक्टर कुल कितने समय से लापता है, तो ऐसे में 250 डॉक्टरों का जो नाम इस सूची में आया है और 2016 के बाद से लगातार जो है ट्रेनिंग पीरियड पूरी करने के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इसके बारे में कोई सूचना दी है। ऐसे में एक सूची जारी करने के बाद इनको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, बकायदा इनको स्पष्टीकरण देना होगा, उसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उचित कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी कि अस्पतालों में डॉक्टर नदारद है, डॉक्टर अस्पतालों में बैठते नहीं है, उसको लेकर ये स्वास्थ्य विभाग ने एक डेटा तैयार किया। उस डेटा के आधार पर यह कहा गया है कि स्पष्टीकरण और मांगा जाएगा, कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। मेमोरी विवेक, ये जो 250 डॉक्टर लापता हुए हैं, ये इसमें कौन कौन से अस्पताल शामिल हैं? क्या ये एक ही अस्पताल की बात है या और भी अस्पताल इसमें शामिल हैं? जी बिल्कुल नहीं, एक ही अस्पताल की बात नहीं है मेमोरी, मैं आपको बता दूं इसमें कई अस्पताल सरकारी अस्पताल शामिल है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक बड़े अस्पतालों के भी डॉक्टर इसमें शामिल है, जो अपनी ट्रेनिंग पीरियड करने के बाद जो है अब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे अस्पताल में वापस नहीं आए हैं। लगातार और काफी समय से शिकायत स्वास्थ्य विभाग को मिल रही थी कि डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर ओपीडी में बैठते नहीं है, मरीजों को हलकान होना पड़ता था।
इसके पास स्वास्थ्य विभाग ने बकायदा एक सूची तैयार किया 2016 के बाद से जो डॉक्टर इस तरीके से गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं उनकी सूची तैयार हुई है। करीब 250 डॉक्टर ऐसे हैं जिन पे उचित कार्रवाई की जाएगी नोटिस देने के बाद, स्पष्टीकरण मांगने के बाद। मयूरी जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। खबर लखनऊ से है जहां फार्मेसी में वर्ष 2022-23 में दाखिला लेने वाले छात्रों को पंजीकरण से पहले एग्जिट परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा साल में दो बार होगी और परीक्षा में 50% अंक लाना भी जरूरी होगा। बता दें अभी तक अंतिम वर्ष की परीक्षा के बाद रजिस्ट्रेशन होता था। पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, फार्मेसी में वर्ष 2022-23 में दाखिला लेने वाले छात्रों को पंजीकरण से पहले एग्जिट परीक्षा देनी होगी, क्या कुछ पूरा प्रोसेस होगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर पहले होता क्या था, फार्मेसी की बात करें तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल के बाद जब परीक्षा होती थी उस परीक्षा के बाद स्वतः ही पंजीकरण हो जाता था। जैसा कि हमने देखा है पहले भी, अगर एलएलबी डिपार्टमेंट की बात करें या एलबी विभाग की बात करें, कानून विभाग में ऐसा होता था एलएलबी करने के बाद स्वतः ही रजिस्ट्रेशन हो जाता था। पर उसके बाद भी आपने देखा है कि अब व्यवस्था ये लाई गई है कि अगर एलएलबी कर लेते हैं, एलएलएम कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको एक परीक्षा देनी होगी, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, तभी आप वकील के रूप में कोर्ट में काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है उसी प्रक्रिया को यहाँ पर भी लागू करने का प्रयास किया गया। और यहाँ पर कहा गया है कि जो पंजीकरण जो वर्ष की परीक्षा देने के बाद हो जाता था, ही हो जाता था, उस पंजीकरण के लिए अध्यापक परीक्षा देनी होगी और साल में दो बार होगी। और जो भी अब प्रवेश लेगा उसके बाद तीन साल पढ़ाई करने के बाद अगर आपको फार्मेसी पंजीकरण कराना, उसके लिए आपको परीक्षा देनी होगी। ये परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की होगी, इस परीक्षा के बाद ही आपका पंजीकरण होगा। तो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बेहतर बनाई जा रही है कि कम से कम जो लोग काम करना चाहते हैं या जो लोग ये सोचते हैं कि हाँ केवल फार्मेसी पढ़ाई करने के बाद उनका पंजीकरण हो जाएगा और फार्मेसिस्ट के रूप में वो काम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार द्वारा एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है। और अभी जब शुरुआत की बात करें तो इसमें पहले विकल्प के रूप में रखा जाएगा, उसके बाद कोशिश की जाएगी इस पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया जाए, क्योंकि अभी स्थिति क्या है कि 22-23 के लिए इसको लाया गया है, उसके बाद देखा जाएगा कि इसकी स्थिति कैसी रहती है। अगर इसमें कुछ परिणाम बेहतर नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस प्रक्रिया में कुछ बदलाव की उम्मीद जताई जा सकती है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।